एमपीएस है, एवरेज तो मेरे को आती ही नहीं निकालना, एवरेज का तो मैंने फॉर्मूला याद कर रखा है। सर मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं क्या गैस स्टेट की? पार्शियली हाँ जी सर, उसका पीडीएफ सेंड कीजिए ना प्लीज। इसका मॉड्यूल का भेज दूंगा, अल्ट्रा प्लीज। आप लोग को ये वाला व्यू बेटर है कि वो पोर्ट्रेट वाला व्यू बेटर है? सर कौन सा व्यू? आपकी तो स्क्रीन ही फंस गई है। हाँ सर स्क्रीन ही, बस वो लोगो दिख रहा है इजी टेक का। हाँ सर अब आ गया, आ गया सर। ये वाली, ये ठीक है, ये वाली अच्छी है। ओके प्लीज ध्यान दें, हम लोगों ने कल वेलोसिटी डिफाइन की थी या डिराइव की थी, वो थी वी आर एम एस जो आई थी अंडर रूट 3RT/m। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन स्टैटिस्टिकली बात करते हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है। आपके पास कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, एक दूसरा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है v2, और जो v1 वाले पार्टिकल है मान लो ये n1 है, ये वाले पार्टिकल n2 है, तो हम कैसे पॉपुलेशन में निकालेंगे कि कौन से पार्टिकल कितने हैं? इसके लिए आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आता है। जिस मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम बताते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना होगा। इसकी जो इक्वेशन है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की, वो होती है dn इक्वल्स टू 4πn m by 2πRT^(3/2U²)e^-mu²/2RT.dv। ये इक्वेशन इस चीज के लिए कि नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आर वी क्लियर? कैसे समझिए, यदि आप इसको किसी भी ये एक n1 से या फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे u1 से u2 तक, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि within this velocity range कितने molecules हैं जो exist कर रहे हैं। Yes or no? Sir, मतलब ये equation हमें कितने एक particular speed से चलने वाले कितने molecules है ये बताती है? बिल्कुल बता सकती है, बस आपको उसको आना चाहिए, ये equation आपको याद करनी है, ये इसका derivation अपने बस का नहीं है, ये basically statistical equation है। अरे याद करना है, मैंने भी याद किया है ये इतनी बड़ी। अबे चुप, याद हो जाएगी, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगता है, वो तुम लोगों को लग रहा है पता नहीं क्या तोप मारने वाले, तो कुछ है नहीं। देखिए ये स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है ये सर, इसमें न्यूमेरिकल है तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले मैं बोलूंगा, प्लीज मेरे को बोल लेने दो अभी थोड़ी देर, पहले मेरे को समझाएं तो ये कर क्या रही है, क्या कह रही है, इसका यूज क्या है, फिर अपन बात करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन क्या आएगा या फिर क्या है, कुछ भी नहीं है, नहीं तो अब नहीं है। ये स्टैटिस्टिकल इक्वेशन है जो हर पॉपुलेशन स्टैट्स के लिए यूज होती है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो कि आपके पास एक ह्यूज, अरे बंद करो उसको अभी, मेरे को प्लीज पहले बोलने दो, उसके बाद आप चैट पे रिप्लाई करना, पहले आप सुन तो लो ये क्या है, सुनोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ जी देखिए, जब भी कभी आप एक ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज लेते हैं,
जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, और प्रैक्टिकली आप जब मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ा नंबर बात कर रहे हो, मोल। भाई ये मोल यदि रख दोगे तो 6 × 10⁻²³ है नंबर, या फिर आप कहोगे चलो 0.1 मोल है, 10⁻²− 2 मोल है, जो भी कुछ आप बात करोगे वो एक बहुत ही बड़ा नंबर होगा। अब आप उस बड़े नंबर पे कोई भी एनालिसिस करना चाहते हो तो आप ऐसी इक्वेशन यूज करते हो जो इक्वेशन आप ऐसी इक्वेशन यूज करते हो जो इक्वेशन आपको कभी भी वेरिएशन दिखाता है कि वेरिएशन सेम। यही इक्वेशन पॉपुलेशन के अंदर भी काम में आता है कि भाई आपको पॉपुलेशन है मान लो कलर ऑफ द ह्यूमन बींग स्टडी करना है तो एक्सट्रीम्स कुछ होंगे, मतलब यही इस तरह का ही ग्राफ होगा, बस जिस तरह की इक्वेशन होगी बस यहाँ पे वेलोसिटी फंक्शन है तो वहां पे कलर फंक्शन जाएगा, समझा, बाकी कोई अंतर नहीं आता। अब जरा इस इक्वेशन को वापस से ना एक बार को एनालाइज करते हैं। हमारे पास है dn equals to 4πL m by 2πRT raised to power 3/2 u square dot e raised to power minus mu square by 2RT dot du। यदि इसको चेंज करना चालू करें तो ये हो जाएगा dn by du equals to 4πN m by 2πRT। अब हम लोग क्या चाहते यदि इस इक्वेशन को समझे तो ये क्या हो गया, ये हो गया चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर चेंज इन स्पीड। इस इक्वेशन के बराबर है। यदि अब मैं इस चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर चेंज इन स्पीड की बात करूं तो मैं इन दोनों से इससे एक चीज निकाल सकता हूं। देखिए जरा, मैं यदि इसका वेरिएशन पढ़ना चाहूं इस चीज का तो हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी के साथ वेरिएशन पढ़ते हैं तो इसमें दो फंक्शन है, एक है ये है ग्रोथ फंक्शन, ठीक है, ये है डीके फंक्शन। ठीक है, क्योंकि अब मतलब यदि आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो दो प्रोबेबिलिटी है कि dn by du इंक्रीज भी कर सकता है और dn by du डिक्रीज भी कर सकता है। अब यदि मैं शुरुआत में बात करूं इनिशियल स्टेट्स में पहले dn by du इंक्रीज करता है और बाद में डिक्रीज करता है, क्योंकि जब u की वैल्यू बहुत छोटी होगी स्क्रीन लैग कर बहुत वॉइस लग रहा है सर। अरे यार ये लैग जीवन ले लेगा यार। हाँ जी, तो इनिशियल वैल्यूज के अंदर अभी भी लाया क्या? सर आप पढ़ाओ सर,
सेकंड लास्ट लाइन से दूसरे तरफ देखो, पहले सब माइक बंद कर लो प्लीज, समझो भाई हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये वाला है ग्रोथ फंक्शन, जैसे जैसे यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये वाली चीज बढ़ेगी डी एन बाई डी यू, और जैसे जैसे यू बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, यदि ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है, तो एक तरफ ग्रोथ है एक तरफ डीके है। शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में यू की वैल्यू जीरो है, यदि यू की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जीरो है, थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ना चालू हुई तो अब इनिशियल स्टेजेस के अंदर यू डोमिनेट करता है, ये वाला ग्रोथ फंक्शन डोमिनेट करता है, क्योंकि जो ये एक्सपोनेंशियल डीके है, देखिए ये यू की वैल्यू बहुत छोटी है तो उसका स्क्वायर और भी बहुत छोटा होगा, तो ये वाली वैल्यू जीरो के आसपास ही होगी, यदि ये ई रेस टू पावर जीरो के आसपास ही होगी तो ये वाली वैल्यू वन के आसपास ही आ रही होगी शुरुआत में, तो पहले ग्रोथ फंक्शन डोमिनेट करेगा, और ग्रोथ फंक्शन डोमिनेट करने के बाद आफ्टर सम टाइम सर आप कुछ बोल रहे हो, आप लोगों को मेरी आवाज कहां तक आ रही थी सर? वो ग्रोथ फंक्शन आपने बोला ना कि ग्रोथ फंक्शन की वैल्यू सर आफ्टर सम टाइम तक आवाज आई थी। अच्छा मेरे को उसके बाद डिसकनेक्शन की आवाज आ गई इसलिए। हाँ तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जब ग्रोथ फंक्शन अब यू की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज हो गई, जैसे यू की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज हो गई तो ये इसका एक्सपोनेंशियल डीके करवा देगा, समझ में आ गया? और इसीलिए इस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक बेल शेप कर्व होता है, मतलब यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं dn by du का तो ये ग्राफ कैसा होगा, वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ कैसा होगा कि भाई शुरुआत में वैल्यूज बढ़, शुरुआत में ग्रोथ फंक्शन डोमिनेट कर रहा है तो पहले वो ग्रो कर रहा है और उसके बाद वो डीके कर रहा है, ऐसा। ये लेफ्ट पर है dn by du, y एक्सिस के ऊपर है u। और वो दिखाने के चक्कर में फिर है ना वो किताबों में लिख दिया है कि सिमेट्रिकल है, बट दिस ग्राफ इज नॉट सिमेट्रिकल। हाँ बिल्कुल, बेल ग्राफ बोलते हैं इसको। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ तक जो मैक्सिमा अचीव हो रहा है ये यू स्क्वायर के डोमिनेशन के कारण हो रहा है, और जो डीके हो रहा है वो ई रेस टू पावर यू स्क्वायर के कारण हो रहा है, तो दोनों कभी भी सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकते। सर बोल भाई। सर इसका मतलब ये क्या कि कम स्पीड से क्या हुआ? हेलो सर, इस ग्राफ का मतलब ये होगा ना इस इक्वेशन का कि कम स्पीड से चलने वाले पार्टिकल बहुत ज्यादा है और हाई स्पीड से चलने वाले पार्टिकल कम है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अभी केवल ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहा हूँ, मेरे लिए अभी केवल ये मैटर कर रहा है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है और उसकी रीजनिंग आई, ये मतलब नहीं है कि भाई आप अभी आएगा ये सब आता जाएगा, सबर रखना सीखो प्लीज। सर हाँ बोल भाई। सर आपने ये साल के जेई एडवांस के पेपर में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था, बस उसमें सिमेट्री था तो उसमें अलग सब चीज अलग थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं देख सुन बात समझ, अभी मैं जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ ये ग्राफ इक्वेशन के हिसाब से है। अबे क्या हो गया? अच्छा मैंने उधर डाउनलोड करने लगाया था उस चक्कर में वहां पे। प्लीज ध्यान दो कि भाई आप ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में दो चीजें थी, एक था ये ग्रोथ और ये था डीके। अब इनका ग्राफ परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं आ सकता, ये बात तय है, बट अपन जब बनाते हैं तो क्योंकि ये एक दूसरे को वो कर रहे होते हैं, मतलब यार एक मिनट रुक जाओ प्लीज, आई विल बी बैक।
क्लास किस दिन हुई थी? 1 दिसंबर को हुई थी, केमिस्ट्री की 2 को हुई थी। अरे हाँ, केमिस्ट्री की 2 को। एक मिनट बस यार, वो हाँ इधर देखो आप, इसीलिए ये क्योंकि दोनों फंक्शंस अलग अलग है तो एक ग्राफ सिमेट्रिकल हो नहीं सकता है ना होता है। हम लोग इसको सिमेट्रिकल बना देते हैं क्योंकि वो बनाना आसान होता है बस, बाकी ये वाले का स्लोप हल्का सा ज्यादा होगा इस वाले स्लोप के मुकाबले। ये चीज क्लियर है? अब इस ग्राफ से एक और चीज निकल के आती है, ये ना पहली चीज मैंने इसको यहाँ पे जीरो से करवाया है क्योंकि जीरो से टच नहीं होता है, क्योंकि वेलोसिटी कैन नेवर बी जीरो, ये इम्पॉसिबल चीज है। पर हाँ, बहुत लो वेलोसिटी होती है, बहुत लो वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स है और ये बहुत हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स है, हाई और लो, और दोनों ही नंबर कम है। मतलब इसका क्या मतलब आएगा, मॉलिक्यूल्स विथ वेरी हाई एंड वेरी लो वेलोसिटी आर वेरी फ्यू। एक तो ये आ गया, दूसरा मेजॉरिटी जो पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही है, ये मेजॉरिटी पार्टिकल्स है। मेजॉरिटी पार्टिकल्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज। आप ये उम्मीद करें भाई, ये वाला जो है ना ये ग्राफ, इसका मतलब है इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये वाले पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी बहुत हाई है तो है ही नहीं, और जिनकी बहुत लो है वो भी बहुत कम है, तो मेजॉरिटी केवल एक पर्टिकुलर रीजन में आते हैं जो ये बनता है। अब एक तो ये आ गया, अब जरा आगे समझते हैं। मैं यदि एक और ग्राफ प्लॉट करूं, भाई इक्वेशन थी 4dN/dU इक्वल्स टू 4π, नहीं कभी नहीं करेगा, 4πN(m/2πRT)^(3/2U²)-mu²/2RT, ये है। अब यदि मैं इस n को भी इधर ले जाऊं, dN इक्वल्स (n/2π)^(3/2)·u²)-mu²/2RT, तो यदि मैं इसको y एक्सिस पे रखूं और u को x एक्सिस पे रखूं, तो अब क्या ग्राफ चेंज होगा कि सेम रहेगा, बताओ? ग्राफ की शेप, मैं इंटरसेप्ट e कॉलम सब की बातें नहीं कर रहा हूं, फिर सेम रहेगा। n क्या डिनोट कर रहा है, क्या हुआ, n क्या डिनोट कर रहा है? n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मैंने पहले ही बताया था सर, वो उल्टा हो जाएगा। क्यों सर? वो n कांस्टेंट है सर, तो कांस्टेंट इस साइड चला गया तो फिर वो इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, नहीं नहीं सर सॉरी, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्यों सर? वो कांस्टेंट है सर, वो कहां मैटर करेगा। हाँ सर सेम रहेगा, पर वेरिएबल्स तो सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा 1/dN/dU और u, ये चीज क्लियर है? अब मुझे एक और चीज बताओ, ये जो ग्राफ है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका एरिया क्या डिनोट करेगा सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू, अरे आराम से समझ, सोच के जवाब दो यार, सर भागने की जरूरत थोड़ी ना अपने को। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, और इस वाले ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा?
सर कुछ भी नहीं। अबे कुछ तो करेगा ना। यूनिटी क्या? अरे एक ही आएगा शायद उसका सर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा, ये यूनिटी हो जाएगा। इसका एरिया हमेशा बनाएगा। क्लियर है? इसका एरिया हमेशा बनाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गया। कैसे समझो? ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्पीड। इसका एरिया आएगा फ्रैक्शन टोटल सम ऑफ टोटल फ्रैक्शंस एंड सम ऑफ टोटल फ्रैक्शन इज ऑलवेज वन। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये बताओ, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, कोई यूआरएमएस नहीं है। वो सर तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी है। बिल्कुल, अपन वेलोसिटी वेरिएशन ही तो पढ़ रहे हैं और अपन पढ़ क्या रहे हैं? अपन जो 30 पढ़ रहे हैं वो वेलोसिटी वेरिएशन ही है। क्लियर है? ये क्लियर है? ये हाँ सर। चलो आगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो आ गया ग्राफ, ये आ गई इक्वेशन। अब इस ग्राफ का मैक्सिमा क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाईएस्ट वेलोसिटी के पार्टिकल्स, एवरेज स्पीड। अच्छा क्यों? सर मैक्स वेलोसिटी वाले पार्टिकल से आएंगे? नहीं, मोस्ट प्रोबेबल। तुम लोग सोच नहीं रहे। सर हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड? नहीं, हाईएस्ट का मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हाईएस्ट बोल रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि वो जो नंबर हाईएस्ट है वो एक क्या बोलना था, मैं कंफ्यूज हो गया सर। वो ये नंबर जो ये जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर रेंज के है ना, वो एक मीडियोकर स्पीड से चल रहे हैं। सर उसके आगे स्टेट बदल जाएगी। प्लाज्मा हो जाएगा शायद गैस का। चबे वो प्लाज्मा हो जाएगा तो आइंस्टाइन हो जाएगा। समझो, ये है जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन ट्रैवल विद ए पर्टिकुलर स्पीड। ट्रैवल विद अ पर्टिकुलर स्पीड, जिसको बचपन में आपने मोड पढ़ा था, ठीक है? और ये जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो। UMPS क्या लिखते हैं? UMPS, UMPS मतलब वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब ये मैक्सिमा है। तो यदि मैं 1 by n dn by du का डिफरेंशिएशन 1 by du ये 0 के बराबर प्लॉट कर लो तो जो u की वेलोसिटी आएगी वो UMPS आएगी। तो ये आएगा 1 by n dn by du equals to 4 pi m by 2 pi rt raised to power 3 by 2 u square dot e raised to power minus mu square by 2 rt। और इसको du d
डी बाई डी यू इक्वल टू जीरो कर लो तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो मिल जाएगी यू एम पी एस. यू एम पी एस निकाल के बताओ कितनी आ रही है. वेट कर रहा हूँ मैं. निकालो. सर अलग ही आ रही है. ठीक है. अगर सिमेट्रिकल ग्राफ होता मैक्सवेल तो फिर आरएमएस सॉरी एमपीएस और एवरेज सेम ही आता ना. मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी है और अरे यार देख आ भी सकता था. मतलब सिमेट्रिकल ग्राफ होता तो हाँ एवरेज और वो सेम आता. बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. वो सेम ही आता फिर वो आना ही पड़ता. मजबूरी होती उसकी. आंसर आ गया सबका. देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है इसकी तो कोई बात ही नहीं है. तो ये होगा d by du u square dot e raised to power minus mu square by 2rt equal to 0. प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2u dot e raised to power minus mu square by 2rt. फिर माइनस आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर. ये माइनस जो आया है ना ये जो माइनस आया ये माइनस यहाँ का है तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर टू एम यू बाय टू आर टी इक्वल टू जीरो. टू से टू कैंसिल और ये बन जाएगा 2u e raised to power minus mu square और यहाँ पे e raised to power minus mu square by 2rt equals to u square into m into u e raised to power minus mu square by 2rt. ये से ये cancel. ये से u cancel तो u की velocity आ जाएगी under root 2rt by m और ये आ जाएगी u mps. Are we clear? क्या ये चीज क्लियर है सबको? UMPS क्लियर है? Yes sir. सर ये ऊपर के दो लाइंस फिर से समझाओ ना. कौन से? ये वाले? First two. ये दोनों? हाँ, बेटा कौन से दोनों? मेरा सॉल्विंग के दोनों के ऊपर के? नहीं सर ऊपर के. ऊपर के देख ये क्या बोल रहा है बेटा कि ना हमने बोला कि जो ये स्पीड आएगी जो मैक्सिमा अचीव होगा यहाँ पे ये आएगा यूएमपीएस. अपन मैक्सिमा कैसे करते हैं? जो वेरी जो इक्वेशन है उसको उसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर कर लो. उसका स्लोप जीरो निकाल लो. तो अपन ने उसको डिफरेंशिएट किया कि भाई वन बाई डी यू बाय दिस वाई एक्सिस पे जो है इक्वल टू जीरो होना चाहिए और ये जो वेलोसिटी आएगी उसको यूएमपीएस का नाम दिया. उसको तो वन बाई डी यू वन बाई एन डी एन बाई डी यू इक्वल टू डी बाई डी एन बाई डी यू और जो पूरी इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर लिया. खत्म.
ओके सर क्लियर है हाँ सर हाँ आगे नेक्स्ट इसके बाद एक और वेलोसिटी होती है इसको बोलते हैं यू एवरेज होती है टोटल नंबर ऑफ एक मिनट यार हाँ यू एवरेज होता है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ठीक है डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यू एवरेज की वैल्यू आ जाती है 8RT/πm रूट इसका अपन डेरिवेशन नहीं करेंगे इसका डेरिवेशन नहीं करना है अपने को ठीक है तो अपने पास पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स अलग अलग चीजें हैं क्या सर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एक ही बात हो गई ना एक ही बात हो गई पर ऐसे ये ऐसा है कि है ना U1N1 plus U2N2 plus U3N3 divided by total N ओके सर भाई समेशन UINI by N ऐसा है ये दोनों मतलब ये ऊपर और नीचे कटेंगे नहीं तो हीरो गिरी दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी और इसकी वैल्यू आती है अंडर रूट 8RT/πm तो अपने पास तीन वेलोसिटी आ गई एक आ गया UMPS जो आ गई अंडर रूट 2RT/m एक आ गया U एवरेज जो आ गया अंडर रूट 8RT/πm और एक आ गया URMS जो आ गया अंडर रूट 3RT/m यदि इनके रेशियोज लोगे UMPS इज टू U एवरेज इज टू URMS लोगे तो ये आएगा रूट 2 इज टू रूट 8/πm इज टू रूट 3 और ऐसे क्वेश्चन कई बार जेई में आए हैं कई बार इसके अलावा यदि अपन इसी को ग्राफ प्लॉट करें 1/n dn/du वर्सेस u के ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है ये वाली जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट आ गया जो इधर है UMPS इसके बाद एक एक आएगा ये है u एवरेज और उसके बाद एक आएगा वो आएगा अरे क्या हो रहा यार ये वाला पॉइंट जो आएगा ये आएगा यू आर एम एस ये तीन अलग अलग पॉइंट आ जाएंगे क्लियर है क्लियर है सर दिस रेशियो इज ओनली वैलिड फॉर मैक्सवेल ना मतलब तो मैक्सवेल और यही पॉपुलेशन कर्व भी है तो यही एग्जैक्ट मतलब यही डेटा है ऐसा ये मान सकता है तू सर बोल सर हम ये कर्व अगर dn by du वर्सेस u के ग्राफ में प्लॉट किया तो फिर u r m s सर ये सब u के वैल्यू नहीं आएंगे क्या अपन ने 1 by n dn by du वर्सेस u का ग्राफ प्लॉट किया है ना अगर हम 1 by n वाला नहीं करते dn by du तो भी सेम ही आता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना ग्राफ को तो और ना उसकी वैल्यूज को उससे फर्क नहीं पड़ता है वो अपन फ्रैक्शन में इसलिए कर रहे होते हैं जैसे वो ज्यादा एब्सोल्यूट रहे कोई मेरे को ये नहीं बोले सर यदि दो गैस अलग अलग हुई उनके नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग हुए तो क्या करेंगे उससे बचने के लिए अपन वैसा कर रहे हैं हाँ मतलब ऐसे एग्जाम में आ गया तो फिर करेक्ट बिल्कुल ठीक है आगे सर सर बोल भाई
सर इस पे एक क्वेश्चन है, मैं सेम क्वेश्चन से कंफ्यूज हो गया, मैं भेजूंगा आपको, मतलब उसके अंडरस्टैंडिंग पे ये ग्राफ के। कौन सा क्वेश्चन है, मतलब जेईई मेंस का एडवांस का है? एडवांस का है। मेरी बात सुन मानस, अपन लोग है ना इस बारे में बाद में बात करेंगे, मैं पहले ना मेरे को ये टॉपिक खत्म कर दे, वरना फिर क्या होगा ना टॉपिक बीच में छूट जाएगा तो फिर एसेंस खराब हो जाएगी टॉपिक की। विल टॉक, मैं जब तक तेरा डाउट डिस्कस नहीं करूंगा आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, ठीक है? पर मेरे को एक बार पहले पूरा खत्म करें, 10-12 मिनट का टॉपिक है, कि एक बार को मैं खत्म कर लूंगा तो आई विल फील एट पीस, ठीक है? हाँ, तो प्लीज ध्यान दें। अब ये वाला क्वेश्चन इस बार के जेईई मेंस 2020 जनवरी वाले में आया था, इसलिए आपको ये चाहे कितना ही थर्ड क्लास सा लगे टॉपिक, पर आपको ये आना चाहिए और ये बनाना, इसके रिप्रेजेंटेशन आने चाहिए। अब अपने को एक चीज समझ में आ गई कि भाई जब काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी है तो अपने को URMS लगाना है, जब अपने को मान लो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो बताइए आप आपको एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके हिसाब से आएगा? UMPS के हिसाब से आएगा, UAverage के हिसाब से आएगा, कि URMS के हिसाब से आएगा, किसके हिसाब से आएगा? एवरेज के हिसाब से सर। बिल्कुल UAverage के सर। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई, अभी ठीक है? स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। सर आपकी होम स्क्रीन से आगे मैं स्क्रीन पर हूँ। नहीं सर, होम स्क्रीन दिख रही है। मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब मैं सही में अभी डाउनलोड कर रहा हूँ आपके वीडियोस और विदिन मतलब मिली सेकंड्स के अंदर पूरा पूरा वीडियो, मतलब अभी दबाया और डाउनलोड, वैसा वाला सीन है। सर ये प्रॉब्लम टीम्स का है सर फिर? अबे टीम्स का प्रॉब्लम नहीं होता है यार, टीम्स का सब देख, इतना मैंने सुना है उसके हिसाब से टीम्स इज द एफिशिएंट सिस्टम, ऐसा मैंने सुना है। मतलब मैं तो कोई वो तो हूं नहीं कि जो एग्जैक्ट टेक्निकलिटी के ऊपर बात करूंगा, बट सर इसके कोडर अच्छे हैं क्या? क्या हुआ? मतलब टीम्स के कोडर अच्छे हैं ही नहीं लगता, बहुत इनकन्वीनियंस करता है। कोई नहीं, पहले आगे देखिए प्लीज। तो अपन जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करेंगे तो यू एवरेज की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यू आरएमएस की बात करेंगे। यहाँ तक तो एक चीज आ गई। मान लो अब मेरे को मैंने टेम्परेचर वेरिएशन कराया, मैंने टेम्परेचर चेंज किया किसी भी गैस के लिए, तो ग्राफ का क्या होगा? ग्राफ आगे जाएगा पीछे होगा, मतलब क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ का? समझिए, मैंने एक ग्राफ बनाया येलो से, ये वाला, ये है टेम्परेचर T1 पर। अब मैंने कहा मैं टेम्परेचर बढ़ाया T2 पे रखा और T2 इज मोर देन T1, तो अब मैं आपको ग्राफ के ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सा वाला ग्राफ होगा? एक ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, कौन सा वाला ग्राफ होगा? चार अलग अलग कलर है, जो येलो वाला है वो इनिशियल ग्राफ है, ये इनिशियल ग्राफ है, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ होगा। सर ग्रीन कलर का। ग्रीन वाला क्यों? पर्पल कलर का। हाँ सर पर्पल कलर। रेड वाला, रेड। सब टाइप करके भेजो, इधर समझो, इधर समझो, ग्राफ होगा ब्लू वाला, समझो क्यों? समझ लो भाई, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? UMPS बढ़ेगी,
तो इस ग्राफ का मैक्सिमा जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। चलो ये चीज है। अब इसमें दो ग्राफ है, एक तो है ग्रीन वाला और एक है ब्लू वाला, जो दोनों ग्राफ इस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब एक चीज और आपको जाननी है, वो क्या कि एरिया ऑफ कर्व ये कांस्टेंट है। यदि आपने इसका जो विड्थ है, जो पहले इतना विड्थ था, आपने उस विड्थ को बढ़ाया, तो जो पीक होगी या जो हाइट होगी उस हाइट को नीचे गिरना होगा। भाई एरिया कांस्टेंट है तो आप बोलते हो एरिया इज नियरली विड्थ, ये जो हाइट इनटू विड्थ है। आपने यहाँ विड्थ बढ़ाई तो आपको हाइट कम करनी पड़ेगी, और यदि आपको हाइट कम करनी पड़ेगी इसीलिए जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ब्लू वाला, इसकी हाइट कम है और विड्थ ज्यादा है। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? सर एक बार बताओ ना कि टेम्परेचर के वजह से यूएमपीएस में कैसे डिफरेंस आता है? फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? यूएमपीएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकता है, रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यूएमपीएस भी बढ़ेगा। सर बोलो। सर हम ये बोल सकते हैं क्या dN by dU जो है उसमें टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ को? अरे भाई इनवर्सली का यूएमपीएस है ना यार, यूएमपी सर, मैं यूएमपीएस नहीं बोल रहा सर, dN dN by dU का इक्वेशन बोल रहा हूं। नहीं मत बोले वैसा, वैसा मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, वैसा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ ना, मैं वैसा जानना चाहता हूँ, क्योंकि U is a function of temperature too. तो फिर जब U temperature का function है, नीचे एक temperature है, तो फिर तो confuse ही रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? अब मान लो कि सर अगर same के लिए अगर T2 कम होता तो फिर कौन सा वाला होता? बिल्कुल मैं भी वही लेके जा रहा हूँ, मैं अगला वही बता रहा हूँ यार। चलो ठीक है, इसी ग्राफ में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान लो कि मेरे पास, मैंने टेम्परेचर जो है, if T was decreased, यदि मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया होता तो यूएमपीएस की वैल्यू डिक्रीज होती। यूएमपीएस की वैल्यू डिक्रीज होती तो मेरे पास दो ऑप्शन होते, या तो रेड वाला या तो व्हाइट वाला। अब एरिया मेरे को अभी भी कॉन्स्टेंट रखना है, तो सीधी सी बात है फिर कौन सा आंसर होता? रेड, क्योंकि एरिया कॉन्स्टेंट है, यूएमपीएस गिर गया है और ये टेम्परेचर डिक्रीज में है, ये टेम्परेचर इंक्रीज में है। आर वी क्लियर? इसके बाद अगला ग्राफ, मान लो मैंने दो अलग अलग गैसेस ली, एक लिया CH4 एक लिया, और मैंने टेम्परेचर सेम रख के ग्राफ प्लॉट किया, टी सेम 1/n dN/dU। सर उनके मोल सेम है क्या? क्या फर्क पड़ता है सर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा वो ना पहले क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दे, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर मैं तेरे से बाद में पूछ लूंगा। कौन सा वाला ग्राफ किसका है? कौन सा वाला ग्राफ किसका है? सर CH4 का ग्रीन वाला है, SO2 का व्हाइट वाला है। क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीच में नहीं है क्या? ग्रीन वाला CH4 का है और व्हाइट वाला SO2 का है, दोनों का एरिया 1 के बराबर ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन लिया है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, UMPS CH4 का ज्यादा होगा और SO2 का कम होगा। क्लियर है? अब एक और चीज सर, वैंडरवाल फोर्सेस की वजह से होगा ना ऐसा? अरे वैंडरवाल फोर्सेस आइडियल गैस में लगी नहीं रही है भाई, तो फिर क्यों सर? मॉलिक्यूलर मास की वजह से होगा, वेलोसिटी UMPS इज अंडर रूट 2RT/mA, तो टेंपरेचर से मास कम है, मास बड़ा हुआ है तो UMPS कम होगी SO2 की।
ठीक है। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, मेरे पास एक ग्राफ है सी एच फोर का 300 डिग्री के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर, और एक ग्राफ है मेरे पास ओ टू का 600 केल्विन पर। आपको बताना है कौन सा ग्राफ है किसका। मैं सॉरी, मैंने ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दिया और ये बोल दिया कि ये सी एच फोर का ग्राफ है। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा ग्राफ किसका है। वन बाय एन डी एन बाय डी यू और ये यू। तो ये जो ऑरेंज वाला ग्राफ है वो तो सी एच फोर का है, ओ टू का ग्राफ कौन सा है ये बताओ। रेड वाला। Somebody replied, somebody replied, somebody replied, good. सर दोनों नहीं है। महक, निनाद बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जो सी एच फोर वाला ग्राफ है वही ग्राफ ओ टू का भी होगा। सर दोनों के ये सेम ही है ना एमपीएस। एग्जैक्टली भाई, आप सोचो जो जो भी कोई फंक्शन है, आप यूएमपीएस निकालोगे, यूएमपीएस इज अंडर रूट टू आर टी बाय एम, तो टी बाय एम रेशियो तो सेम ही है और ये तो बाकी सब तो कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चे का? देखिए सबने रेड बोलना शुरू कर दिया। कोई नहीं, अभी ये ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो आप टेम्परेचर को वेरी करा करा के इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स से फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ट्रैवलिंग विद यूएमपीएस फ्रैक्शन ऑफ टू यूएमपीएस प्लस 0.01 यूएमपीएस, ये निकालना है फॉर ओ टू एट 300 केल्विन। मतलब समझिए, मैं ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये यूएमपीएस है, मुझे निकालना है एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, इतना सा, ये वाले मॉलिक्यूल्स निकालने हैं जो इसमें होंगे, तो कैसे निकाल सकता हूं। सर डिफरेंशिएट करके, सर इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट सर डीएम का, डीएम निकाल के एक्वेशन। बिल्कुल सरल सा सलूशन है इसका, हमें मालूम है डी एन बाय एन या डी एन बाय डी यू, ये जो कुछ हो गया इक्वल्स टू 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी रेस्ट यू स्क्वायर डॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर 3 बाय 2 था। क्या हो गया? 3 बाय 2 रह गया, m by 2 पाई आर टी का रेस्ट टू 3 बाय 2 रेस्ट। हां ये इक्वेशन है। अब मान लो मैं इसको, मैं ये सॉरी ये ऐसा है, ये मैं डी यू को वापस इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा डी एन बाय एन 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी रेस्ट टू पावर 3 बाय 2 यू स्क्वायर डॉट ई रेस्ट टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर डॉट डी यू। तो क्या ये जो इक्वेशन है इसका प्रोडक्ट वो फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा?
तो हम लोग यहाँ पे डी यू की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, डी यू हमको चाहिए 0.01 यू एम पी एस, इतना चेंज चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी 3/2 यू एम पी एस का स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एम यू एम पी एस का स्क्वायर डिवाइड बाय एम यू बाय 2 आर टी। यार कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी रेस टू पावर 3/2 यू स्क्वायर डॉट ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 आर टी डॉट डी यू, और डी यू की जगह अपन लिख देंगे 0.01 यू एम पी एस, क्योंकि यही चेंज है भाई। आपको कहां से कहां तक चाहिए, यू एम पी एस से लेकर इतना चेंज चाहिए, तो ये हो गया यू एम पी, ये हो गया यू और ये हो गया डी यू। अब आपने जैसे इसको रखकर सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी यू एम पी एस का क्यूब ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 आर टी, और आप जब इसको रख के सॉल्व कर लोगे इस वाली वैल्यू को, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू पावर माइनस 1, क्योंकि यू की वैल्यू होगी अंडर रूट 2 आर टी बाय एम, तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी रेस टू पावर 3/2 यू क्यूब, यू क्यूब की वैल्यू अंडर रूट 2 आर टी बाय एम का क्यूब डॉट ई रेस टू पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 पाई। आप सॉल्व कर लोगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई मास मास सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, इवेंचुअली बच जाएगा 1/ वो 0.01 कहाँ गया सर, पीछे वाले नहीं समझा सर, लास्ट वाला ये नहीं समझा, एंड में क्या किया आपने, लास्ट दो स्टेप वापस बता, लास्ट दो स्टेप्स। हाँ I need some writing space problem हो रही है, इधर देखो वापस लिख रहा हूँ भाई। आपने लिखा कि ये जो फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 पाई एम बाय 2 पाई आर टी रेस टू पावर 3/2 यू की जगह यू एम पी एस, तो यू एम पी एस का स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर बाय 2 आर टी इनटू डीयू, डीयू हो जाएगा 0.01 यूएमपीएस, तो 0.01 यूएमपीएस, तो यूएमपीएस इधर मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगा, और यूएमपीएस मल्टीप्लाई होके क्यूब होने के बाद ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू माइनस 1 के बराबर है, क्योंकि यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू है अंडर रूट 2 आर टी बाय एम है, 2 आर टी बाय एम का स्क्वायर हो जाएगा 2 आर टी बाय एम, तो ये 2 आर टी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने क्या देगा, 4 पाई अंडर रूट एम बाय 2 पाई आर टी रेस टू पावर 3/2 अंडर रूट 2 आर टी बाय एम का क्यूब डॉट ई रेस टू पावर माइनस 1 डॉट फ्रैक्शन, ये यू एम पी एस का क्यूब हो गया फ्रैक्शन। अब यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये एम की पावर इधर क्या आएगा, 2 आर टी बाय एम की पावर 3/2, तो ये सब आर टी बाय एम कट जाएगा, केवल बच जाएगा 1/5 जिसकी पावर बच जाएगी 3/2, एक हो जाएगा e रेस टू पावर माइनस 1 इंटू 0.01 या फिर 4 पाई रेस टू पावर 3/2 e रेस टू पावर 1 डॉट फ्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एम पी एस प्लस फ्रैक्शन, यू एम पी एस इंटू फ्रैक्शन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे होंगे वो, और ये ना टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना मास डिपेंडेंट है। मतलब यदि आप बोल दो कि आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद यू एम पी एस टू यू एम पी एस 0.02 यू एम पी एस फॉर O2, CO2, Ne at three different temperatures, तो भी रेशियो 1:1:1 आएगा। Are we clear?
सर प्रीवियस स्लाइड में काम मेरे को दिखा आर वी क्लियर बोलो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है एग्जैक्टली कि हर हर समय मतलब किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी मॉलिक्यूल गैस के पार्टिकल्स इक्वल नंबर में रहते हैं इसका ये मतलब है कि फ्रैक्शन हां मतलब इसका ये मतलब है कि जो फ्रैक्शन होता है ना बिटवीन अ चेंज वो कांस्टेंट होता है गैस कोई सी भी हो टेम्परेचर कोई सा भी हो सर बोल भाई वो जो 4pi अपने जो रिलेशन निकाला वो रिप्रेजेंट फ्रैक्शन को मतलब करता किसको रिप्रेजेंट है वो जो अपने रिलेशन निकाला 4pi अपॉन वो करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी बिटवीन UMPS एंड UMPS डॉट फ्रैक्शन मतलब ऐसे मान ले कि मैंने बोल दिया कि फ्रैक्शन 0.01 है तो ये है UMPS प्लस 1 प्लस UMPS का 1% ऐसा मतलब 100 और 101 मीटर पर सेकंड के बीच में UMPS 100 मीटर है तो 100 से 101 मीटर पर सेकंड के बीच में इतने मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर सकते हैं यदि मैंने फ्रैक्शन के टर्म्स में रख के सॉल्व किया है तो समझा हाँ सर सबको हाँ सर फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी of URMS to 0.02 URMS for CH4 at 300 Kelvin. Question है solve करिए. Maxwell equation चाहिए. तो 1 by Tn equals to 4 by n m by 2 pi rt raised to power 3 by 2 dot u square dot e raised to power minus mu square by 2 rt dot du sir direct job mein result kya tha wahi use kar sakte hain kya job ne nikala tha result wahi use kar sakte hain bilkul nahi result nahi abhi tumko pehle solve karna padega ki answer kya aa raha hai kyunki maine umps nahi rakha umps ke liye formula fix ho gaya fraction ko leke अब मैं URMS से भी करवाना चाहता हूँ मेरी इच्छा आ गया सर आ गया हाँ सर ठीक है क्या आया
सर 4 पाई v / 2 पाई रेस्ट टू 3 / 2 e रेस्ट टू माइनस 3 / 2 इक्वल 0.02 सर वो 3 / 2 पाई सर ऐसा नहीं आ रहा मेरा चलो रख के देख लेते हैं मास और सर आ गया सर पे आ रहा सर एग्जैक्ट नहीं मास वास सब कैंसिल हो गया सेम ही है सर सेम आ रहा है भाई आप रख लोगे 4 पाई m / 2 पाई rt रेस्ट पर 3 / 2 u क्यूब हो जाएगा तो वो हो जाएगा अंडर रूट 3 rt / m का क्यूब तो ये mm और rt rt सब कट जाएगा e raised to power minus m by 2rt into 3rt by m dot 0.02 सब कैंसिल आउट होके यही आंसर आ जाएगा तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि भाई आप बिटवीन दो वेलोसिटीज कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्लियर सर बोल भाई सर टाइम अप हो गया भेजू क्या वो अब भेज तू मेरे को हो गया मेरे को यहीं तक पढ़ाना था आज सर बोलो ये रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो क्या सर बिल्कुल करने वाला हूँ सर ठीक है सर सर तो आप मतलब उसकी लिंक भेज दोगे क्या बिल्कुल भेज दूंगा और मैंने सब अपलोड कर भी दिया आज की छोड़ के ठीक है चलेगा सर चल देख लेते हैं ठीक है तो अब क्या बोल रहा है यू एम पी एस इज टू यू एवरेज इज टू यू आर एम एस ये बोल रहा है हाँ तो, सर तो आंसर सी है इसका नहीं सर रॉन्ग है अबे सी आंसर होगा इसका आंसर सी सर रॉन्ग सर रॉन्ग है एक्चुअली कैसा है वो कि एमपीएस मतलब एवरेज और आरएमएस सेम ही होगा ना क्योंकि वो सिमेट्रिकल है इसलिए वो 1:1 होगा और जो आरएमएस आएगी वो थोड़ी ज्यादा होगी इसलिए वो 1:1:1.4 एक मिनट रुक कर देखने दे क्या हो रहा है मैक्सवेल नहीं है वो हाइपोथेटिकल केस है सर फिर तो डी आएगा ना नहीं 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 सर बी है आंसर क्या है आंसर उसका पी ए पी पर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो वही रहेगी ना 1.12 डी आ रहा है सर मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन देखा फिर मुझे समझ आया क्या था नहीं नहीं सही कह रहे हो भाई क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिकल है जैसे ही ग्राफ सिमेट्रिकल हो जाएगा तो बेसिकली जो एवरेज वैल्यू होगी वो यू एम पी एस के बराबर हो जाएगी और एवरेज और एमपीएस बराबर हो जाएगी तो फिर वो रेशियो 1:1 का बनेगा सही बोल रहा है वो ग्राफ का क्वालिटी देखा ही नहीं सीधा वो बोल रहा है सही बोल रहा है वो मानस सर परफेक्ट सर यू एवरेज इसको याना चाहिए ना नहीं सर भाई वो क्या बोल रहा है ना ऐसा ग्राफ है बोल रहा है परफेक्ट सिमेट्रिकल है
तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट एमपीएस वैल्यू भी होगा और एवरेज वैल्यू भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे, दोनों आपस में कैंसिल, सब ये सारे के सारे सेक्टर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो यही वाली वैल्यू एवरेज ही बन जाएगी, तो यू एवरेज और यू एमपीएस एग्जैक्ट सेम हो जाएगा सर। और आरएमएस, सर आरएमएस के लिए हम ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो दोनों से ज्यादा आता है? नहीं, मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, आरएमएस के अंदर ग्राफ का रोल नहीं है ना, वो तो एक ही अलग तरीके से निकलता है। सर मतलब आंसर बी होगा, क्योंकि तीनों इक्वल तो नहीं हो सकते। आंसर बी होगा, उसमें आंसर दिया क्या है? हाँ सर बी आंसर, नहीं बी होगा कि भाई देख समझ, तू आरएमएस तो इस ग्राफ से निकालता ही नहीं है ना, आरएमएस तो जिस तरीके से निकालता है उस तरीके के अंदर इस चीज की वैल्यू नहीं है। सर जो सोल्यूशन में देखा, मैं बोलूंगा आपको क्या देखा? मेरे को सोल्यूशन देखना ही नहीं है, सोल्यूशन तो मैं ही तो मैं ऐसे लोग तो लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या देखना है? फिर वो 1.14 कैसे आया, मतलब वो बी ऑप्शन में वो रेशियो 1.224 कैसे आया? हाँ सर मतलब 1:1 वाला। सर हाँ, पर यूएमपीएस तो पीक पे होगा ना सर, फिर 1:1 कैसे आ जाएगा? भाई यूएमपीएस सही है, यूएमपीएस पीक पर है, पर यू एवरेज भी पीक पर ही आ जाएगा। बहुत बच्चे के नेगेटिव मार्क्स हो गए इसमें। क्या हुआ? बहुत बच्चों के नेगेटिव मार्क्स हो गए इसमें। हाँ हुए होंगे यार बिल्कुल, एक बार को देखने में लग रहा है कि वो वैसा ही है, बट क्योंकि वो ग्राफ सिमेट्रिकल है पूरा परफेक्ट, इसलिए यू एमपीएस एंड यू एवरेज बराबर हो जाएगा और उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 मतलब वो ऐसा हो जाएगा कि भाई वो √2RT/m यही एवरेज जाएगी और जो √3RT/m है यू आरएमएस हो जाएगी। सर ये नहीं समझा कि एमपीएस और एवरेज कैसे सेम हो जाएगा। बच्चा एक बात था, एवरेज और यूएमपीएस में क्या अंतर है? यूएमपीएस पीक। हाँ हाँ समझा सर, अभी एवरेज समझा सर। अब बता इसका एवरेज और एमपीएस कितना आएगा? दोनों 8 आएगा, क्योंकि एक कम की है तो एक ज्यादा की है, एक दो कम की है तो दो कम की एक है, तीन कम की है तीन ज्यादा की है, और ये 8 एमपीएस होगा, क्योंकि ये ग्राफ अब तो प्लॉट करेगा तो सिमेट्रिकली आएगा, एक वैल्यू इसकी 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 और बाकी की वैल्यू ये वाली। आर वी क्लियर? हाँ सर ठीक है सर। तो अगर ये सिमेट्रिकल नहीं है तो यूएमपीएस यू एवरेज यूएमपीएस ज्यादा होगा ना? बिल्कुल यू एवरेज यूएमपीएस ज्यादा होगा, ग्राफ परफेक्टली सिमेट्रिकल दे रखा है इसलिए अपने को वो करना पड़ रहा है। सर लेकिन क्वेश्चन में मेंशन चाहिए कि वो नॉन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है। यार क्वेश्चन है मेंशनड है वो, उसकी बात नहीं है, पर उसने ये बोला है कि उसने तो ग्राफ बना के दिया, उसने पूरे के पूरे पीछे की ग्राफ लाइन बना के दिए और सिरे दिए जिससे कि आप इस बात का इंटरप्रिटेशन निकाल सको कि वो पूरा परफेक्ट सिमेट्रिकल है। सर अगर ग्राफ लाइन नहीं होती फिर हम उसको मैक्सवेल का कंसीडर करते ना? बिल्कुल करना पड़ता था स्टैंडर्ड।